नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 3 अभियुक्त गिरफ्तार। एसपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत पैलानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सराज, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देखिए, जनपद बांदा में ऑपरेशन क्लीन जो चलाया जा रहा है, इसके साथ आज एक बड़ी सफलता मिली है। एक वाहन चोरी का गैंग जो कि लगातार जनपद में वाहन चोरियों को अंजाम दे रहा था, उसको हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें टोटल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और 2 लोग इसमें अभी वांछित हैं। टोटल 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो अलग अलग जगहों से चोरी हुई थी। इनमें से इस गैंग में एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो हमीरपुर का भी रहने वाला है। इस तरीके से एक अंतर जनपदीय गैंग था और इनका जो कार्य क्षेत्र था ये हमीरपुर, बांदा, महोबा, इन सब अगल बगल के जिलों में भी करते थे और बांदा में भी, खासकर बबेरू क्षेत्र में ये वाहन चोरी को अंजाम देते थे और ये पिछले काफ़ी टाइम से चोरी कर रहे थे। और अब तक ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब तक ये रडार में नहीं आए थे, जेल नहीं गए थे। अब इनके खिलाफ जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन, इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, कहीं बगल के जनपदों में या दूसरे राज्य में तो नहीं है कोई, और आगे इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनके गैंग को भी वाहन चोरी के रूप में पंजीकरण। सर, लगातार गाड़ियाँ पकड़ी जा रही थी, क्या करते थे इतनी गाड़ियों को और पकड़ने के बाद आपको कैसे मालूम चला कि गाड़ियों का चोर है? ये कुछ जगहों को ये ज़्यादा टारगेट करते थे, जैसे कि जहाँ शादी बारात घर है वहाँ पर इनका मेन फोकस होता था, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो हलवाई का काम करता था, तो वो बताता था और वो गाइड करता था लोगों को कि किस कहाँ पे इस तरह की गाड़ियाँ अवेलेबल हो सकती हैं। इसके बाद वो वहाँ पर बैठते, एक व्यक्ति उसमें बैठता था, रेकी करता था और रैंडमली गाड़ियों में चाबी लगा के देखता था। अलग अलग टाइप की गाड़ियों को ये चोरी करते रहे हैं, जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइप की मोटरसाइकिल नहीं है, हर टाइप की मोटरसाइकिल इन लोगों ने चोरी की है। और शादी बारात घरों के अलावा जिला अस्पताल और जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं उसको भी ये अपना टारगेट बनाते हैं। कहाँ से मिले हैं तुम सर? ये सभी इन लोगों ने बताए हैं कहाँ कहाँ से जो इन लोगों ने चोरियाँ की थी, ये इनके थ्रू रिकवरी हुई है। उसके अलावा और भी कुछ बाइकें हैं जो इन लोगों ने चुराई हैं, अलग अलग लोगों को बेची हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये में लोगों को बेचते थे ये बाइकों को। और भी हम लोग इस चीज़ को, लिंक्स को ट्रेस कर रहे हैं कि किसको किसको इन लोगों ने बेची। पुलिस द्वारा